गर्भावस्था सीरीज का यह मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दूंगा। असल में 9 महीने के गर्भकाल को मेडिकली 3-3 महीने के गर्भकाल में बांटा गया है। इसी को ही हम ट्राइमेस्टर यानी कि तिमाही बोलते हैं। तो पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही को मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उन जाँचों के बारे में जो की गर्भकाल में डॉक्टर करवाता है, जो की जाँच करवाना बहुत ही आवश्यक। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं रह जाएगी कि कौन सी जांच करवानी है, कौन सी जांच नहीं करवानी है। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काम की बात में डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किसी भी स्त्री को गर्भकाल के दौरान कम से कम 3 बार परीक्षण अवश्य कराने चाहिए। शहरों में या डॉक्टरों के द्वारा किए जाते हैं, गांव में जो है या नर्सों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे किसी विवाहित स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है तो उसके मन में विचार आता है क्या वो गर्भ है, तो उसके लिए परीक्षण कराना आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मासिक धर्म किसी और वजह से भी रुक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्री गर्भवती होती है लेकिन मासिक धर्म चालू रहता है, तो ऐसे में भी परीक्षण कराना बनता है। क्योंकि अगर गर्भवती स्त्री के जो प्रारंभिक लक्षण है वो अगर आप में आने लगते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से परीक्षण कराना चाहिए। गर्भ धारण की अवस्था में आपका कोई इलाज तो नहीं चल रहा, इसके बारे में भी डॉक्टर पता करता है। जैसे कि मान लीजिए टीबी है, तपेदिक है, इसके इलाज अगर आपके चल रहे हैं तो इनकी जो दवाइयां हैं वो गर्भ पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालती हैं। डॉक्टर इस वाली बात की भी जांच करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपने गर्भधारण करने के बाद एक्सरे के परीक्षण कराए हों। तो कुछ रूटीन परीक्षणों के बाद आ जाती हैं कुछ रूटीन जांच हैं जिनको डॉक्टर अवश्य कराता है। तो उनमें से एक जांच होती है रक्त की जांच। रक्त की जांच में सबसे महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन की जांच, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसे रक्त में भी कमी माना जाता है, और ऐसे में अगर आपका प्रसव होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जटिलता आ सकती है। रक्त की जांच में फिर ब्लड ग्रुप का नंबर आता है, ब्लड ग्रुप जांचा जाता है। और यह ध्यान रखा जाता है कि अगर महिला RH नेगेटिव है तो फिर उसके पति के खून की भी जांच की जाएगी और यह देखा जाएगा कि उसके पति जो है वो RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव। क्योंकि अगर पति RH नेगेटिव नहीं निकला तो फिर प्रसव के दौरान जटिलता आ सकती है। वर्तमान में जो चिकित्सक होते हैं वो STD पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी वो जांच कराने को बोलते हैं। VDRL, हेपेटाइटिस बी, मधुमेह और HIV के परीक्षण इसमें किए जाते हैं। क्योंकि इन बीमारियों के रहते हुए अगर आपने गर्भ धारण किया तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि गर्भ धारण किया और गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है। इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि बच्चा भी इन बीमारियों से ग्रसित होकर के जन्म ले। अब बारी आती है यूरिन एग्जामिनेशन की। यूरिन का भी एग्जामिनेशन किया जाता है और उसका कारण यह है कि संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। कुछ जांचें जो है गर्भकाल में कई बार की जाती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन और मधुमेह यानी कि शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच डॉक्टर कम से कम 3 बार कराने को कहते हैं। जब ये जांच की जाती है तो उसी समय ही गायनेकोलॉजिस्ट आपका वजन भी नापता है और आपका रूटीन ब्लड प्रेशर भी चेक करता है। 36 से 38वें सप्ताह में आपकी कूल्हे की हड्डी का असेसमेंट होता है, यानी कूल्हे की हड्डी की जांच की जाती है जिसको पेल्विक असेसमेंट भी कहते हैं। यह पेल्विक असेसमेंट इसलिए जरूरी है कि यह पता लगाया जा सके कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि आपका सी सेक्शन करना होगा। आजकल थायराइड की कमी जो है अक्सर महिलाओं में देखी जाती है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने के लिए भी डॉक्टर कहते हैं। अल्ट्रासाउंड परीक्षण जो होता है वो बीच बीच में डॉक्टर कराता रहता है आपको, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे का जो विकास है वो क्रमिक विकास है, डॉक्टर को पता चलता रहता है कि पर्टिकुलर सप्ताह के बाद जो बच्चे में विकास हुआ है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉक्टर यह भी पता लगा लेते हैं कि अंगों का विकास सुचारू रूप में है कि नहीं है। तो ये थे वो परीक्षण जो गर्भवती स्त्री में किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए याद चाहूंगा, जय हिंद।